देखना, चलो शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जैक जेम्स को अपनी लॉयल्टी बदल उसका हाउंड बनने को कहता है और इसी के साथ फेलॉन को असासिनेट करने का ऑर्डर भी देता है। आगे हम देखते हैं कि रॉन जैक की मसाज कर रहा है और उससे पूछता है कि क्या जेम्स विश्वास करने लायक है, क्योंकि जो भी उसने जेम्स से कहा उसकी खबर अब तक मार्शनेस को हो चुकी होगी। ये सुनकर जैक हंसता है, पर रॉन कहता है कि मार्शनेस मौके की तलाश में है और अगर उसे पता चला कि जैक कल अकेडमी के लिए निकल रहा है तो वो उसे जान से मारने की कोशिश जरूर करेगी। जिस पर जैक कहता है कि वो कोशिश जरूर कर सकती है पर वो उसे छू भी नहीं सकती। वो बताता है कि फेलॉन के साथ जो कांड हुआ है उससे मार्शनेस गुस्से में जरूर है, पर एलिजाबेथ को कंट्रोल करने के लिए उसे जैक की जरूरत है। जैक कहता है कि मार्शनेस भले ही उसे मार नहीं सकती पर वो उसे सबक सिखाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगी। जैक कॉन्फिडेंस से बताता है कि हार्पी लॉर्ड, ऑर्क लॉर्ड, ड्रैगन लॉर्ड और भी न जाने कितनों ने उसे मारने की कोशिश की, पर जब वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए तो उनके सामने ये मार्शनेस क्या ही कर पाएगी। वो रॉन से उसकी चिंता ना करने को कहता है और बताता है कि जब तक वो खुद नहीं चाहेगा तब तक वो नहीं मरेगा। रॉन समझ जाता है कि जैक कल कुछ बड़ा करने वाला है तो वो उसके साथ जाने को कहता है, पर जैक उसे परमिशन नहीं देता और उसे सीक्रेटली सबसे छुपकर जर्नी में उसे फॉलो करने का ऑर्डर देता है। जैक रॉन से कहता है कि वो अभी अपना दूसरा सर्कल बनाने जा रहा है तो इस बीच कोई भी उसके रूम में ना आए। ये सुनकर रॉन हैरान था क्योंकि सर्कल इतनी आसानी से नहीं बनते, सालों की मेहनत लगती है, पर जैक के लिए ये आसान है। तो रॉन भी ये देखने जैक के रूम में चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेम्स अभी भी अपनी हार के सदमे में है। उसके लिए ये विश्वास करना मुश्किल था कि वो एक फर्स्ट सर्कल से हार गया। उसे लगता है कि जैक एक्चुअल में थर्ड सर्कल है और उसे जैक का दिया हुआ ऑफर बेतुका लगता है, क्योंकि जैक को फेलॉन की तरह बड़े परिवारों का सपोर्ट नहीं मिला। उसके सर पर किसी भी इन्फ्लुएंशियल इंसान का हाथ नहीं है। हम देखते हैं कि जेम्स अपने जीवन की सबसे बड़ी और आखिरी गलती करने जा रहा है। वो इस पूरे प्रकरण की जानकारी मार्शनेस को देने की सोचता है। उसे लगा कि ऐसा करके वो उनका खास बन जाएगा और सोचता है कि भले ही जैक कितना बड़ा जीनियस क्यों ना हो, वो अकेले मार्की हाउस को नहीं हरा सकता। आगे हम देखते हैं कि मार्शनेस एलिजाबेथ से जैक के बारे में बात कर रही है कि कैसे उसने जेम्स को अपनी तरफ करने की कोशिश की, पर उसे क्या पता था कि जेम्स अपनी लॉयल्टी नहीं बदलेगा और फेलॉन को सपोर्ट करेगा। जैक की छोटी सोच का मजाक बनाते हुए उसकी हंसी नहीं रुक रही थी। वो एलिजाबेथ को बताती है कि वो उसकी शादी के लिए लड़के ढूंढ रही है और धमकाती है कि अगर उसने अपनी पसंद से शादी करने की सोची तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। हम देखते हैं कि जैक दूसरा सर्कल भी बना चुका है। रॉन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि एक एवरेज मैजिशियन को फर्स्ट से सेकंड सर्कल जाने में 4 महीने लगते हैं। रॉन जो कि बहुत टैलेंटेड है उसे 2 महीने ही लगे, पर जैक ने ऐसा केवल 5 घंटों में ही कर लिया था। डिनर का टाइम हो चुका है पर आज जैक रॉन का बनाया हुआ डिनर नहीं करना चाहता। वो मेन बिल्डिंग जहां उसे जाना भी अलाउड नहीं है वहां जाकर सबके साथ डिनर करना चाहता है। एक्चुअली वो सबको ये बताना चाहता है कि कल वो एकेडमी के लिए निकल रहा है। वो मेन बिल्डिंग में बवंडर की तरह आता है और सब उसे देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। डर की वजह से फेलॉन और गुस्से से उसकी माँ का खाना गले से नीचे नहीं उतर रहा था। मार्की के पूछने पर जैक बताता है कि वो कल एकेडमी के लिए निकल रहा है। जैक फेलॉन से मजे लेने के लिए उसके हाल पूछता है। वो कहता है कि उस फेलॉन के वाटर फोबिया के बारे में पता चला, जिसे सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। फेलॉन को कुछ भी पीने से डर लगने लगा था। जैक उसे वाइन ऑफर करता है पर पूरी वाइन टेबल पर गिरा देता है। ये देखकर फेलॉन की रूह कांप जाती है और उसकी माँ जैक पर चिल्लाने लगती है, जिस पर जैक कहता है कि शायद आसपास कोई कुत्ता भौंक रहा है और वो वहाँ से जाने लगता है। मार्शनेस गुस्से से पागल हो रही थी और वो जैक से कहती है कि उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और वो उससे रिवेंज जरूर लेगी। जैक कहता है कि वो इंतजार करेगा और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जैसा मार्शनेस ने कहा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ और जैक अपनी अकेडमी की जर्नी पर निकल पड़ा। जेम्स एक सिक्स्थ सर्कल नाइट रेजन और कुछ गार्ड्स भी उसके साथ जा रहे थे। एलिजाबेथ और रॉन भी थोड़ी दूर तक आते हैं। एलिजाबेथ जैक की चिंता कर रही थी पर जैक उसे रॉन के साथ वापस जाने को कहता है और रॉन को उसका प्रॉमिस याद दिला सीक्रेटली उसे फॉलो कर शाम को मिलने को कहता है। जैक समझ चुका था कि गार्ड्स की आपस में कोई प्लानिंग है जिसके पीछे मार्शनेस का हाथ है। जैक कैरेज में ही सो जाता है। शाम हो चुकी थी। जैक कैरेज से बाहर आया और जेम्स को देखकर मुस्कुराने लगा। जैक समझ गया था
था कि जेम्स ने अपनी लॉयल्टी नहीं बदली क्योंकि सारे गार्ड्स उसे घेर कर खड़े थे। रेजन जैक से कहता है कि एकेडमी जाने में अभी 4 दिन लगेंगे और हर रात वो गार्ड्स रुक कर कैंपिंग करेंगे, जिसमें वो जैक को बुरी तरह मारेंगे, उसके हाथ पैर तोड़ेंगे और जब सुबह होने वाली होगी तब उसे हीलिंग पोशन से हील कर देंगे। इसी के साथ मार्शनेस ने उन्हें एक और ऑर्डर भी दिया है। जैक के पूछने पर रेजन बताता है कि वो जानते हैं जैक ने अपना मैना सर्कल बना लिया है और वो उसका मैना सर्कल भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। हमें पता चलता है कि मैना सर्कल को डिस्ट्रॉय करना डेथ के बराबर है। टूटे हुए मैना सर्कल को वापस तो बनाया जा सकता है, पर उससे मैना जनरेट करने का चांस 0.001% है। जिसका मैना सर्कल डिस्ट्रॉय हो जाता है वो पूरी जिंदगी के लिए क्रिपल हो जाता है।